राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। खेती को लाभ का धंधा बनाने और युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना जमीन पर सकारात्मक परिणाम दे रही है। पेश है अनिपुर से हमारी यह रिपोर्ट। अनूपपुर के ग्रामीण और आदिवासी बहुल इलाकों में खेती को लाभ का धंधा बनाने और लोगों को खेती की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत जैतहरी विकास खंड के करीब 2500 किसानों ने धान उत्पादन की उन्नत तकनीक का प्रयोग एवं उन्नत किस्म की संकर धान का रोपण किया है। लाभान्वित किसानों ने बताया कि संकर धान आम धान की तुलना में 3 गुना ज्यादा उत्पादन दे रही है। वही परंपरागत खेती की तुलना में इस धान की खेती में कम मेहनत करनी पड़ती है। फ्री में पोनियर धान नर्सरी लगाने के लिए विभाग के द्वारा मिला था, कृषि विभाग के द्वारा, और उसमें हमने बेड बना के बीज डाला था, थरहा डाला था, और उसको 12 दिन के अंदर लगाए थे। पोनियर का धान था, 12 दिन के पौधा लगाने में बहुत अच्छा उत्पादन होता है, कंस बढ़िया आते हैं और उत्पादन अन्य धान की अपेक्षा, मतलब अन्य विधि के द्वारा जो श्री पद्धति से लगाते हैं, बढ़िया उत्पादन होता है। पर ये योजना को और मतलब बढ़िया से विस्तार से वो किया जाए ताकि लोग किसान प्रेरित हों। इसमें किसान को बीज, जैविक खाद, दवाइयाँ, यंत्र, सिंचाई पंप, बड़े बड़े यंत्र ही दिए जाते हैं। इसमें किसी जाति के किसान को 50% अनुदान पर सामग्री दी जाती है। हमारे जिले में पिछले साल हमने धान का नर्सरी लगवाया था, पूरे जिले में लगभग 1500 किसानों ने लाभ लिया इसका। और जमड़ी में एक ऐसा किसान है जिसने 80 क्विंटल प्रति हेक्टर पैदावार की है श्री पद्धति से। किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में खाद्यान्न फसलों में 50% छूट से लेके 100% तक अनुदान दिया जाता है। बीज में 100% अनुदान मिलता है और खाद दवाइयों में यंत्रों में 50% का छूट दी जाती है। जिले में हमारे विकासखंड जैतहरी में, विकासखंड जैतहरी में 1500 किसानों ने श्री पद्धति में से लगभग 300-400 के आसपास किसानों ने खेती की थी श्री पद्धति में। पानी की वर्षा कम होने की वजह से सब किसान नहीं लगा पाए थे। जिन लोगों ने लगाया था उनका उत्पादन, जो समान उत्पादन होता है, उससे 3 गुना उत्पादन मिला है।